हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम सांगला आए थे, वो भी दिल्ली से सांगला आके हमने वो बस स्टैंड है सामने, बस स्टैंड के सामने यहाँ पे बसपा गेस्ट हाउस में रेस्ट ली थी। अभी बज रहे हैं 6:55 सुबह के और अभी हम अपनी बस के पास जा रहे हैं। हम जाएंगे वापस सांगला से रिकांगपियो, जो कि किन्नौर का एक मेन स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। हमारी बस भी बाहर निकल चुकी है। आज ये है हमारी बस और अजय भाई आ गए हैं। चलो चलते हैं व्यू की तरफ और दिखाते हैं आपको सांगला वैली के नज़ारे। सेम बस है हमारी 30:45। तो हमारा सफ़र सुबह 7 बजे शुरू होता है सांगला विलेज से, और रेगुलर बेसिस पे ये बस सांगला से सुबह 7 बजे रिकांगपियो के लिए चलती है, जो कि यहाँ के लोकल्स को उनके काम तक पहुँचने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर आपने हमारा दिल्ली से लेके सांगला तकर का फुल व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर मैं उसको आई बटन पे मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो हमारे इस सफ़र के साथ साथ यहां पे सांगला से लेके करछम तकर एक रिवर भी चलेगी, जो कि आप नीचे की साइड देख सकते हैं, जिसका नाम है बसपा रिवर, और इसी रिवर के नाम पर इस वैली का नाम पड़ा है, बसपा वैली। यहाँ पीछे सांगला के पास बसपा रिजर्वॉयर भी है, जहाँ पर कई बार पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो यहाँ नीचे की साइड आप देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक नज़ारे भी शुरू हो गए हैं, जिन्हें देख के कई बार रूह भी कांप जाती है। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे काफ़ी संकरी सड़क होती थी, ये तो रोड की एक्सटेंशन करके और ब्लास्टिंग करके इस सड़क को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। ये जो आप नीचे की साइड सड़क देख रहे हैं, यहाँ सांगला का कमरू विलेज लोकेट होता है, जिसकी सड़क सांगला से भी मिलती है एंड आगे करछम से पहले भी एक सड़क यहाँ पे जाने के लिए आती है। रोड की एक्सटेंशन होने के कारण यहाँ पर ड्राइविंग करने में भी काफ़ी हेल्प होती है और बस भी अपनी काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है। तो जैसे कि आपने हमारा दिल्ली से सांगला वाले व्लॉग में देखा होगा कि त्रंडा ढांक में भी माउंटेन को कट करके बीच में से रोड बनाई गई है, तो यहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ पे थोड़ी सी चट्टान बाहर निकली है, सामने की साइड आप देख सकते हैं, तो इसी के ऊपर बनाया गया है माँ शेरावाली का टेम्पल, जो कि घोम डोकंड में लोकेट होता है, जो कि कमरू विलेज का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर माथा टेक के हमारी बस ने क्रॉस किया शेरावाली माता का मंदिर, और सामने यहाँ पे बोर्ड लगा है शिमला 218 किलोमीटर और टापरी यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर इस जर्नी का सबसे हाईएस्ट और सबसे डेडलीस्ट पॉइंट लोकेट होता है, जिस जगह का नाम है शोबरे यानन। यहाँ तो कुछ अभी साल पहले ही पैराफिटिंग की गई है और यहाँ बीच बीच में अभी भी पैराफिट नहीं है, ओनली सीमेंट्स के छोटे छोटे पैराफिट रखे गए हैं, जिनसे कोई सेफ्टी का तो हम बोल नहीं सकते फ़ायदा होता, बट एज अ इंडिकेटर ये यहाँ पर लगाए जाते हैं। पर इस जर्नी में पहली बार ट्रैवल करने में काफ़ी आपको डर लगेगा, तो एक बार ज़रूर से इस बस पे आएं और इस रूट को ज़रूर से कवर करें और आपको पता चलेगा HRTC में रियल एडवेंचर करने का मज़ा। तो
सामने की साइड आप देख सकते हैं कितना कर्वी और स्टीप मोड है, जहाँ पे ये HRTC के ड्राइवर्स इन बसेस को काफ़ी अच्छे से मोड़ लेते हैं और इन्हें जजमेंट होती है कि किस मोड पे पूरी बस कटेगी या फिर नहीं। तो यहाँ नीचे उतरते वक्त ही यहाँ पर उत्तराखंड का एक ट्रक भी आ गया था, जिसे मोड़ने में ड्राइवर को काफ़ी मुश्किल हो रही थी और इसे बैक होते होते ही तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, बट बस पास नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ ही देर में ट्रक ने बस के लिए भी जगह बनाई और वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते आगे की तरफ निकल गए। यहाँ सामने की साइड कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने इस बस को समझा कि ये छितकुल की तरफ जा रही है, बल्कि ये बस छितकुल सांगला की तरफ से रिकांगपियो की तरफ जा रही थी। तो अब आप देख सकते हैं हम बस पर रिवर के कितने पास में आ गए थे और कुछ ही टाइम पहले हम इससे कितने ऊपर थे। तो यहाँ गेट पे एंट्री करने के बाद यहाँ पर आ चुका है बसपा घाटी का सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि 300 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। तो तकरीबन यहाँ से करछम अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे JSW हाइड्रो प्रोजेक्ट वालों के द्वारा बनाया गया पुल, जो कि बसपा रिवर के ऊपर है और हमें यहाँ पर दूसरी साइड डाइवर्ट करता है। तो यहाँ पे होती है बस की टिकट की इंस्पेक्शन, की कंडक्टर जो हैं वो सभी पैसेंजर्स को जनरली टिकट्स दे रहे हैं। तो आपने HRTC की बसेस में ट्रैवल करते हुए कई बार देखा होगा कि HRTC के ऑफिशियल्स आते हैं और बस में टिकट चेक करते हैं। और जो सामने की साइड आप सड़क देख सकते हैं जो सीधी जा रही है, वो चली गई किल्बा की तरफ और हमने यहाँ से राइट ले लिया है और जो करछम डैम के ऊपर आगे पुल बना है उससे हम पार करके पहुँचेंगे शिमला रिकांगपियो वाले हाईवे पर। तो ये है करछम डैम, सामने की साइड आप देख सकते हैं और ये लेफ्ट में जो रास्ता चला गया ये चला गया शिमला और दिल्ली की साइड, और ये ऊपर की साइड चला गया रिकांगपियो और काजा की तरफ। तो तकरीबन 45 मिनट के सफर के बाद हमारी बस पहुंच चुकी है करछम और टाइम हो रहा है 7:45। सामने की साइड से आ रही है टूरिस्ट बस की रिकांगपियो से शिमला जाने वाली बस। तो फिर करछम से आगे राली ब्रिज को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं राइट साइड पर और यहां पे हमारे लेफ्ट साइड में चलेगी सतलुज रिवर, जिस पे बनाया गया है बसपा सेकंड का हाइड्रो वैली प्रोजेक्ट। तो फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद हमें यहाँ पे मिलती है रिपा से चंडीगढ़ जा रही HRTC की बस, जो कि रिकांगपियो से ही चलती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 को, एंड आजकल तो बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है रिपा साइड, तो बस को रिकांगपियो से ही चलाया जाता है। और अभी हमने क्रॉस किया है यहाँ किन्नौर का शोंगटोंग ब्रिज। तो यहाँ शोंगटोंग ब्रिज के थोड़े से आगे यहाँ पे अजय भाई के कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए, जैसे कि अजय भाई शिमला साइड से हैं, तो जो यहाँ पे ट्रक वाले हैं वो भी शिमला साइड के थे, तो यहाँ पे वो मिले और काफ़ी खुश हुए, क्योंकि दूर जब कोई आपको अपना मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है।
तो सामने आ चुकी है कल्पा से शिमला जाने वाली बस जो कि वाया रिकांगपियो होके आती है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं हमने पोवारी कैंची से रिकांगपियो के लिए ऊपर की तरफ टर्न ले लिया है और जो नीचे वाइट कार जा रही है ये ऊपर की तरफ सड़क जाती है काजा की तरफ। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टीप और काफ़ी कर्वी कट्स हैं और यहाँ से सफ़र करते हुए हमें दिखते हैं किन्नौर कैलाश के माउंटेन्स जो कि सुबह के और शाम के टाइम तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो शिमला से रिकांगपियो की दूरी तकरीबन 260 किलोमीटर की है और अगर आप भी सांगला और छितकुल की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आप रिकांगपियो आ सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ और शिमला से यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं और यहाँ से सुबह रोज़ 9:30 बजे रिकांगपियो से छितकुल जाने वाली बस चलती है और शाम को वापस रिकांगपियो पहुँच जाती है। तो यहाँ हमने रिकांगपियो में एंटर कर लिया है और यहाँ से स्टार्ट होती है रिकांगपियो की मार्केट जो कि ऊपर बस स्टैंड तक जाती है जिसका स्ट्रेंथ तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का है। तो सामने की साइड हमें यहाँ पे मिलती है HRTC की हिमनी डीलक्स बस जो कि रिकांगपियो से चंडीगढ़ रूट पर चलाई जाती है और यहाँ पे एकमात्र यहाँ चंडीगढ़ से रिकांगपियो आने वाली डीलक्स बस सर्विस है क्योंकि यहाँ पे वोल्वो बसेस तो ओनली टापरी तक ही आ पाती हैं। ये है सामने मीनू ट्रांसपोर्ट की रिकांगपियो से शिमला जाने वाली बस। तो ये आ गया है किन्नौर का लोअर बस स्टैंड जो कि किन्नौर की मेन मार्केट में ही लोकेट होता है। सामने की साइड जो सीधी की सड़क चली गई वो चली गई पांगी की तरफ एंड यहाँ से लेफ्ट की साइड हम ऊपर को जाएंगे रिकांगपियो मेन बस स्टैंड की तरफ। तो तकरीबन 1:30 के बाद हमारी बस पहुँच जाएगी सांगला से रिकांगपियो के मेन बस स्टैंड पर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा रिकांगपियो से दिखने वाला किन्नौर कैलाश जो कि माँ पार्वती और भोले शंकर के पहली बार मिलने का स्थान भी बताया जाता है। तो यहां से किन्नौर कैलाश के दर्शन करने के बाद हमारी बस पहुंच गई है रिकांगपियो के बस स्टैंड और ये है रिकांगपियो का बस स्टैंड जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से राइट साइड की टर्न हम अंदर की तरफ जाएंगे और रिकांगपियो के बस स्टैंड से भी माउंटेन्स का काफ़ी अच्छा व्यू आता है जो कि अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो कैसा लगा आपको सांगला से लेके रिकांगपियो का ये सफ़र कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ हमेशा लाते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग ट्रैवल तेजस, फॉलो अस ऑन Instagram, ID mentioned on the screen। थैंक यू।